हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी फोर्थ सेमेस्टर से हम टॉपिक लेंगे नैनो साइंस से ग्राफिन्स का। ठीक है, मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। और ये आपको एमएससी से रिलेटेड ही नहीं, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नेट के, तो उसमें भी आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ग्राफिन्स क्या होते हैं? तो ग्राफिन एक ऐसी सामग्री है जो ग्रेफाइट से निकाली जाती है, ठीक है, और शुद्ध कार्बन से बनी होती है, जो प्रकृति में सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। और इसे हम पेंसिल की सीसा जैसे दैनिक वस्तुओं में पाए जाते हैं। अब आपने पेंसिल की जो नोक होती है, उसमें आपने ऐसे ग्रे कलर में देखा होगा, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेफाइंस कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ग्राफिक सख्त, लचीला, हल्का और उच्च प्रतिरोध वाला होता है। यह गणना की गई है कि यह सामग्री स्टील की तुलना में 200 गुना अधिक प्रतिरोधी और एल्यूमिनियम की तुलना में 5 गुना हल्की है। इन गुणों के साथ ग्राफन की ऊर्जा निर्माण, स्वास्थ्य और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में अनुप्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, चुंबकीय ग्राफिन सभी के लिए उपकरणों को अधिक आरामदायक और सुलभ बनाकर इस इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बदल सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं ग्राफीन की विशेषताएं और गुण। तो फर्स्ट है उच्च चालकता। तो ग्राफीन के उपयोग के माध्यम से बैटरी के उपयोगी जीवन को 10 तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही कम समय में चार्ज किया जा सकता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी विशेषता है। ठीक है, आगे है लपट। तो ग्राफीन ड्रोन के लिए बैटरियाँ बनाने के लिए भी उपयुक्त है, क्योंकि यह हल्की और सख्त होती ऊर्जा संयोजन करने वाले ये टुकड़े प्रायोगिक में सबसे भारी है। आगे देखते हैं। आगे है पारदर्शिता और लचीलापन। तो ग्राफीन एक पारदर्शी पदार्थ है और बहुत कम प्रकाश यानी केवल 2% अवशोषित करता है। इसके लचीलेपन की बदौलत सभी प्रकार के उपकरणों के लिए लचीली स्क्रीन का निर्माण किया जा सकता है। अब उच्च प्रतिरोध। एक उत्कृष्ट विद्युत चालक होने के साथ साथ ग्राफीन एक बहुत ही प्रतिरोधी सामग्री है, इसलिए प्रकाश क्षेत्र में बड़ी प्रगति की उम्मीद है। अब ग्राफीन के उपयोग और अनुप्रयोग। तो ग्राफीन के उपयोग ऊर्जा क्षेत्र में ग्राफीन, तो रिचार्जेबल बैटरियों के निर्माण में ग्राफीन का उपयोग ऊर्जा दक्षता दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग हो सकता है। यह सामग्री उपकरणों को अधिक गर्म होने से रोकती है, जिससे वे सख्त और हल्के होंगे। आगे है नवाचार। नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है, क्योंकि इस सामग्री का उपयोग आज की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। अब निर्माण में ग्राफीन। निर्माण में लागू ग्राफीन का उपयोग इमारतों के इंसुलेशन में सुधार का वादा करता है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वे संक्षारण, नमी और आग के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो सकते हैं, और इसलिए अधिक सख्त और टिकाऊ हो सकते हैं। अब स्वास्थ्य में ग्राफीन। तो स्वास्थ्य में ग्राफीन क्षेत्रों में ग्राफीन के अनुप्रयोग भी आकर्षक है। ग्राफीन के गुणों के कारण मजबूत, अधिक लचीला और हल्का श्रवण यंत्र विकसित किया जा सका। हम हड्डियों और मांसपेशियों बनाने के बारे में भी बात कर सकते। इन्हें सर्जिकल ऑपरेशन के माध्यम से पेश किया जाएगा, तो काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें हैं। आगे देखते हैं। अब लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्राफीन। तो ग्राफीन की विशेषताएं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में पूरी तरह बदल सकती है। इस सामग्री के उपयोग से छोटे, हल्के और सख्त अधिक कुशल उपकरणों का निर्माण किया जा सकता है। इन्हें आज उपयोग किए जाने वाले घटकों से प्राप्त करना असंभव है। तो यहाँ पर जो है हमारा टॉपिक एंड होता है, और काफ़ी ईजी से ये नोट्स मैंने बनाए हैं, जो कि आपको ज़्यादा माइंड ले या ज़्यादा आपको याद करने की या समझने के लिए ज़्यादा कठिनाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।